राजस्थान लगातार रेपिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आते जा रहे हैं, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान इस समय रेपिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन 17 से 20 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। मैं समझता हूं इससे पूरा राजस्थान कलंकित हो रहा है। कल जो भीलवाड़ा के अंदर जो घटना घटी है कोटरी थाने में, उसमें 14 वर्षीय नाबालिग को अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार के बाद भट्टी में जिस तरह से जला दिया, मैं समझता हूं ये घटना निर्भया कांड से भी एक बहुत ही अति है, भयंकर है, उसको भी मात दे रही है। ऐसी घटना राजस्थान में घटने के बाद मुख्यमंत्री जी चुप हों, कोई कार्रवाई नहीं करे। ये केवल एक भीलवाड़ा की घटना नहीं है, भीलवाड़ा में इसके पहले ही 1.5 महीने पहले 8 मई में 6 वर्ष की बालिका जो केवल रात्रि को झोंपड़ी से अपनी लघु शंका करने के लिए बाहर आती है, उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और डूंगरपुर में 15 वर्षीय छात्रा को जो स्कूल जा रही है उसके साथ किया जाता है। तो न तो स्कूल सुरक्षित है, न रात को उठ करके लघु शंका के लिए जाना सुरक्षित होगा। एक बकरी चराने के लिए यदि एक बच्ची जाती है बूंदी के अंदर, उसका भी अपहरण करके किया जाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कोई ज़िला नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मुंडवा के अंदर ये घटना हुई, पिड़ावा के अंदर 12 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और यहाँ तो खेड़ी कांग्रेस विधायक के भतीजे ने इस प्रकार दुष्कर्म किया। चौमू में दुष्कर्म हुई, हनुमानगढ़ में इस प्रकार की दुर्घटना हुई, अजमेर के आदर्श नगर में भी युवती से दुष्कर्म हुआ, ब्यावर में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, श्री गंगानगर में युवती को ब्लैकमेल करके और उसका फोटो वायरल किया। तो आज यहाँ पर बलात्कारी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है। इसके आधार पर यदि मैं कहूँ कि ये दुष्कर्मी को आज कोई रोकने वाला नहीं है, और गहलोत साहब बड़े कह रहे हैं मैं तो पद छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को पद नहीं छोड़ रहा, यानी क्या आपका ऐसा फेविकोल तगड़ा को लगा हुआ है जो आपको कुर्सी नहीं छोड़ रही है? अरे आप आज छोड़ो, जनता 8 करोड़ जनता उसे राहत करेगी। मैं तो मांग करूंगा कि आप तुरंत नैतिकता के आधार पर यदि कहीं भी जहन में इन बच्चियों के प्रति आपकी इज्जत है तो आप तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देकर के नैतिकता के आधार पर करो, ताकि और अस्मिता मेरी बहन बेटियों की बचाओ। कभी भीलवाड़ा, कभी नागौर सहित अजमेर बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।